नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव वाला टेरेस में। तो कैसा चल रहा है आप लोगों का ट्रेडिंग स्टाइल, क्या है वो तो आप लोगों को पता ही है ना। मैं जो चीज़ें बताता हूँ तो वो तो आप लोग फॉलो करते नहीं हो, अब फॉलो करते हो तो प्रॉपर फॉलो नहीं करते हो, है ना वाला। कर लो यार, कर लो के फॉलो तो बढ़िया है। लोके जी आ गए, जय श्री राम भैया, जय श्री राम लोके जी। फॉलो कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी अच्छी बात है। बोलो सीताराम, है ना। चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज कहाँ पे क्या सेटअप बना उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कल कहाँ पे हमारा सेटअप बन सकता है वो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है भैया। तो अभी मार्केट का जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे बदल रहा है। बदल कैसे रहा अभी आपको बताते हैं और समझाते हैं कि कैसे बदल रहा है। आप लोगों को ये सारी चीज़ें पकड़ते आना चाहिए, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो भी अच्छी बात है, लॉस करते रहो। प्रॉफिट करना है तो फॉलो तो करना पड़ेगा, हैं। देखो पैटर्न समझाते हैं पहले, बाकी चीज़ें तो आपको पता ही है, है ना। एक्सप्लोर किया ऑल इंडाइसेस, इसको हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगाते हैं और आपको कुछ लोगों को कुछ चीज़ें समझाते हैं, है ना। समझना बड़े आराम से। हमने आप लोगों को एक स्ट्रेटजी दी है जिसका नाम हमने दिया है P2P, पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेटजी, है ना। P2P स्ट्रेटजी और एक दी हमने कट टू कट स्ट्रेटजी, मतलब उसमें भी वही चीज़ है कि एकदम एक्यूरेट आपको चलना है, कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना है एक्स्ट्रा। जो चीज़ें बताई गई हैं उसको फॉलो कर लोगे तो आपका काम उतने में ही हो जाएगा, ठीक है भैया। तो पुरुषोत्तम भाई बोल रहे हैं लॉस में अपना ही मजा। अच्छा, लॉस में अपना ही मजा है तो फिर लेते रहो लॉस, कोई दिक्कत थोड़े, कोई मना थोड़े कर रहा है कि लॉस मत करो, करो और करो, लाइक और कमेंट करो, लॉस करो, है ना। तो बढ़िया है, करते रहो, मजे लो, मज़ा आना चाहिए। चाहे प्रॉफिट में हो तो मज़ा आए, लॉस में हो तो भी मज़ा आए, मज़ा आते रहना चाहिए, है ना। तो आप लोगों को मेन चीज़ अभी ये जुलाई मंथ जब से चालू हुआ है समझना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ एक बार, है ना। जुलाई महीना यहाँ से चालू होता है इस कैंडल से। अगर हम 5 मिनट पे इसको चार्ट को, चाहे निफ्टी ले लो, चाहे बैंक निफ्टी ले लो, कोई सा भी इंडेक्स ले लो, आपको जो प्यारा हो, जो आपको अच्छा लगता हो, डजंट मैटर, है ना। तो समझो बात को, ये पैटर्न आपको हर एक 15 दिन महीने भर में चेंज होता दिखाई देता ही है। और जब आपको एक पैटर्न पकड़ लेते हो तो उसके बाद मार्केट उसको चेंज कर देता है। और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हर महीने मार्केट अपना पैटर्न चेंज करता है। पैटर्न इन द सेंस कि अगर मॉर्निंग में मोमेंट मिल रहा है तो वो दोपहर में देने लग जाएगा, दोपहर में दे रहा है तो फिर वो लास्ट जो आवर्स होते हैं उसमें देने लग जाएगा, ऐसा कुछ मोमेंटम करने लगता है, है ना। अब जुलाई जब से चालू हुआ है तो जुलाई में आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि ये सुबह सुबह एक मोमेंट कर देता है। ये आपका क्या है, जुलाई 1st से ये आपका चार्ट लगा हुआ है, सुबह एक मोमेंटम कर दिया इसने, इसके बाद ये साइडवेज हो जाता है, ठीक है भैया। ये साइडवेज पूरा दिन रहा, ये तारीख है 1, ठीक। अब आगे चलो, 2 तारीख को आओ, 2 तारीख में सुबह सुबह इसने मोमेंटम कर दिया। टाइमिंग देखना, मतलब सुबह ओपन होते से ही और आपको ये 10 बजे के अंदर अंदर एक मोमेंट कर गया तो कर गया, लास्ट में आपको फिर इसने झुला दिया एक मोमेंट, चलो ठीक है यहाँ पे कर दिया इसने 11 बजे के समथिंग या 12 बजे के पहले, इसके बाद फिर यहाँ पे पूरा आपका साइडवेज कर गया, एक डब्बे में बंद हो गया ये, ठीक है। जिन्होंने सोचा होगा कि एक लंबा मोमेंट मिलेगा, उनको वो मोमेंट नहीं मिला, समझना, यही है पॉइंट जो आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। अब उसके अगले दिन 3 तारीख को देखो, सुबह सुबह फिर मोमेंट कर दिया इसने, ठीक।
सुबह सुबह मोमेंटम करने के बाद पूरा दिन क्या हो गया, साइडवेज, ये आपका डब्बे में फंसा रह गया। तीन दिन कंटिन्यू हो गए सेम पैटर्न पे, हुए कि नहीं हुए? अरे हाँ या ना तो बोलो, बोल नहीं सकते तो कमेंट कर दो, है ना। आप देखो, सुबह सुबह 4 तारीख को एक बड़ा मोमेंटम किया इसने, ये मोमेंटम किया, मोमेंटम करने के बाद ये पूरा साइडवेज हो गया, धीरे धीरे करके गया ऊपर, लेकिन इतने में तो वो टाइम डिके लग के आपका पूरा प्रीमियम चाट जाएगा, पूरा खा जाएगा, पूरे बॉक्स पे ये लास्ट तक फंसा रहा, ठीक है। पैटर्न अभी वही सेम चल रहा है, समझना, पैटर्न अभी सेम चल रहा है, ठीक है ना, 4 को 4 तक। अब 5 तारीख में आते हैं, 5 तारीख में फिर वही एक बड़ा मोमेंटम, दूसरा बड़ा मोमेंटम, इसके बाद फिर ये आपका फिर साइडवेज, ठीक है, साइडवेज पैटर्न अभी भी 5 तारीख तक कंटिन्यू वही चल रहा है। 6 तारीख को क्या किया, 6 तारीख को भी पूरा साइडवेज ही कह सकते हैं, नो डाउट, थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिया, मतलब दोनों साइड जिन्होंने पकड़ लिया होगा तो ठीक है, बट ऐसे टेट पकड़ में आते नहीं हैं, है ना। इसके बाद फिर ये धीरे धीरे करके ये साइडवेज, ठीक। अब आते हैं हम कब आएंगे, अभी तो ये आज का ही गेम हो गया, तो 8 तारीख का आपका चार्जर, हाँ 8 तारीख को तो ये मोमेंटम हो गया। अब अगले दिन के लिए क्या भैया, अगले दिन भी तो कुछ ना कुछ होगा। अब अगले दिन के लिए आप लोगों को बता देते हैं कि ये पैटर्न कल से चेंज हो जाएगा, ठीक है, कल से चेंज हो जाएगा। कल जो है, एक चीज़ और देखो, यहाँ पे आपको एक या दो दिन छोड़ के, एक दिन ही समझो, दो दिन, यहाँ पे गैप अप एक दो दिन ही हुआ गैप अप, है ना, गैप अप यहाँ पे हुआ, यहाँ पे गैप डाउन हुआ, एक दिन गैप अप कर दिया। अच्छा, जहाँ पे गैप अप और गैप डाउन हुआ है उसका पैटर्न भी समझ लो। देखो, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था, गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर जाके साइडवेज हो गया, ठीक है। यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होके नीचे जाके साइडवेज हो गया, मतलब दोनों पैटर्न उसने चेंज कर लिए, ठीक। अब आज का जो मोमेंटम हुआ है ये पूरा हम साइडवेज कह सकते हैं, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ है। चाहे आप निफ्टी का चार्ट उठा लो, चाहे बैंक निफ्टी का चार्ट उठा लो, दोनों ही चार्ट में आपको सेम टू सेम कुछ ना कुछ मिलेगा, मतलब साइडवेज मिलेगा। अब कल के लिए क्या भैया, कल के लिए ये कि अगर आप इसको और आगे करते हो तो ये जो पैटर्न बना था 2 दिनों तक कंटिन्यू अपना साइडवेज का, जब मार्केट 2 दिनों तक कंटिन्यू साइडवेज रह लेता है तो 3रे दिन उसके ऊपर या नीचे जाने के चांसेस हो जाते हैं। अगर कल भी सेम रेंज पे ये ख़त्म कर देता है, कल भी इसी डब्बे के अंदर अगर फंसा रहता है, तो यकीन मानिए बुधवार को जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी उसमें आपको बहुत बड़ा मोमेंटम मिलने वाला है। मे बी पॉसिबल कि कल ही दे जाए, ठीक है। अगर अब यहाँ पे कल के लिए बताता हूँ, कल है अपनी फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो एक बार आप लोगों को फिन निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। फिन निफ्टी के चार्ट पे आपको लगभग सेम ऐसे पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है, ठीक है। 2 दिनों से कंटिन्यू ये एक ही बॉक्स पे फंसा दिख रहा है। अब कल 2 कंडीशन क्रिएट होगी, फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, पहली कंडीशन ये क्रिएट हो रही है, मे बी पॉसिबल कि वो एक ऐसी बड़ा या छोटा मोमेंटम देके पूरा दिन यहाँ पे निकाल दे। क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन आपने अक्सर देखा होगा कि एक मोमेंटम देने के बाद वो साइडवेज हो ही जाता है, ठीक। एक ये कंडीशन बनेगी। दूसरी कंडीशन अगर मार्केट सुबह इसी लेवल पे ओपन हो और ओपन होने के बाद 12:30 बजे तक का टाइम निकाल देता है, मतलब 12:30 तक का टाइम अगर निकाल देता है, तो फिर 12:30 से लेके 12:30 के बाद जो 2 बजे का टाइम होगा वो आपके लिए गोल्डन टाइम होगा।
क्यों? क्योंकि 9:45 से लेके 12:30 के बीच में ये चाहे जिस भी साइड मोमेंट करे, चाहे कॉल साइड करे, चाहे पुट साइड करे, चाहे जितना भी मूवमेंट करे, मतलब अगर इस लेवल तक आता है सपोर्ट लेवल तक आता है, या अपने इस लेवल तक आता है रेजिस्टेंस लेवल, लेवल देख लो आप 23,700 का और नीचे 23,400 का है ना, 400 या 450, इतने 250-300 पॉइंट के बीच में चाहे ये ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ठीक है। अगर ये 12:30 तक इसी रेंज पे फंसा रहा तो उसके अपोजिट साइड अगर मान लो यहाँ पे ओपन हो के और ऊपर गया, और ऊपर गया धीरे धीरे गया, और 700 से कुछ यहाँ पे बेयरिश कैंडल बनती दिखाई दे रही है, तो आप यकीन मानो कि आपको ये यहाँ फिर रुकने वाला नहीं है, आपको ये टारगेट दे जाएगा। और मान लो नीचे आया, सेम टाइम ऐसे सेम प्रोसेस यहाँ पे किया, नीचे आया और यहाँ पे कुछ सपोर्ट बनाता है, तो फिर ये नेक्स्ट लेवल के लिए आपको इतना बड़ा मोमेंटम देगा ही देगा। बट कंडीशन वही है कि ये आपको जो मोमेंट हो 12:30 के पहले इस तरह की मोमेंटम ना मिले। ये कंडीशन यही है कि 12:30 के पहले ये कंडीशन आपको ना मिले कि वो एक ही झटके में मतलब यहाँ से यहाँ तक, या कि यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम ना कर दे। ये मोमेंट जो होना चाहिए वो बहुत धीरे धीरे होना चाहिए, मतलब मार्केट पूरा साइडवेज होना चाहिए मॉर्निंग के 2-2.5 घंटे जो रहते हैं, जो भी मोमेंट आए वो 12:30 बजे के बाद आए, ठीक है। दो ही कंडीशन बनेगी तो आपका कल जो है अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है फिर निफ्टी पे, ठीक है भैया। तो ये तो हो गया फिर निफ्टी के लिए। अब चलते हैं एक बार इसके डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें पता चल जाएंगी, है ना। देखिए यहाँ पे खड़ा हुआ है और ये जो कैंडल बनी है अनडिसाइडेड कैंडल बनी है, 2 दिनों से कंटिन्यू यही कैंडल बन रही है, तो चांसेस कल ज़्यादा बन रहे हैं कि कल ही दे जाए। और अगर कल नहीं देता है, कल अगर नहीं भी देता है, तो परसों तो भैया तैयार ही रहना, फिर अपनी सीट बेल्ट बांध लेना, है ना, क्योंकि फ्लाइट टेक ऑफ करेगी जब ना तो झटका लगता है, ध्यान रखना। तो अब जो है बैंक निफ्टी के चार्ट को लगाते हैं डेली टाइम फ्रेम में, सेम कंडीशन आपको बैंक निफ्टी में बनती दिखाई दे रही है। अगर इसका 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में इसमें भी वही साइडवेज चल रहा है। और 2 दिन, आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि 2 दिन जब आप साइडवेज निकाल लेते हो, मार्केट 2 दिनों तक साइडवेज रहता है, तीसरे दिन वो मार्केट आपको एक बड़ा मोमेंटम देता ही देता है। कई बार ये चांसेस थोड़ा कम बनते हैं, कई बार नहीं देता है, बट अगर कल नहीं देगा तो फिर परसों तो आपको बहुत बड़ा मिलने वाला है, ठीक है भैया। तो बोलो सीताराम। चलो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का लेवल, आप लोगों को बैंक निफ्टी में ऊपर ये रहेगा और नीचे आपका ये वाला लेवल रहेगा 52,000 का, है ना। 52,000 का एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम करेगा, तो दोनों ही लेवल आप नोट करके रखेंगे, ठीक है। अब निफ्टी में भी देख लेते हैं, निफ्टी का एक बार यहाँ पे चार्ट लगा लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में। पहले देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में कौन सी कैंडल बन रही है। डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी में भैया बहुत गचर पिचर है, वेरी वेरी अनडिसाइडेड कैंडल बनी है ना। तो देखो इसका जो है 15 मिनट में हमको समझ में आएगा कि ये क्या करना चाह रहा है, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में चले, अब इसका अगर ध्यान से देखें तो क्या चल रहा है, कौन बताएगा क्या चल रहा है। हम तो क्या है, देखो डंडा लगाते हैं, कहीं से भी डंडा लग गया, डंडा लगना चाहिए बस, हो गया डंडा हमारा लगा और वहाँ हमने झंडा गाड़ा, ठीक है। हमको इसका ध्यान रखना है, निफ्टी में हमको ये जो चैनल बना दिया मैंने, इस चैनल का ध्यान रखना है हमको, और बाकी सारी चीज़ें आप चाहो तो हटा दो, इसको भी हटा दो, ठीक। ये चैनल का भी से ध्यान रखना है, चैनल के बाहर निकले ध्यान रखना, ट्रेड लेने की ट्रिक बता रहा हूँ निफ्टी में कल की, ठीक है। चैनल के बाहर निकले, चाहे वो कॉल साइड निकले
और निकल के एक पुल बैक दे दे तो कॉल साइड के लिए फिर जबरदस्त मूवमेंट। और अगर नीचे साइड आता है, अगर नीचे साइड आता है और नीचे साइड आके फिर एक पुल बैक दे दे ऐसे, तो भी आपको बहुत बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। ठीक है, दोनों इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोनों ही कंडीशन में। अब बोलो कि अगर फ्लैट ओपन होता ही नहीं है, गैप डाउन ओपन हो गया, तो भी गैप डाउन ओपनिंग में भी आपका यही चलेगा। अगर यहाँ पे ओपन हुआ तो ये ऊपर जाए, ऊपर जाके नीचे आ जाए, ठीक। और अगर गैप अप ओपन हुआ तो ये ऊपर जाके ऐसे पुल बैक करे और फिर ऊपर साइड जाए तो ऊपर साइड के लिए, मतलब पैटर्न आपको यही यूज करना है। चाहे वो गैप अप ओपन हो जाए, चाहे गैप डाउन ओपन हो जाए, चाहे फ्लैट ओपनिंग हो जाए, तो भी आपको पैटर्न यही यूज करना है निफ्टी के लिए। ठीक है, और कोई यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और जो हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं वो स्क्रीनशॉट हमारे लर्निंग ग्रुप में भी डाल सकते हैं। ठीक है भैया, तो देखो एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पे कोई और कंडीशन बन सकती है क्या? तो चार्ट को थोड़ा और आगे पीछे करते हैं। अगर इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने जाते हैं तो ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 400 का है, और नीचे अगर सपोर्ट की बात करेंगे तो ये आपका 150 का, मतलब 156 का है ना भैया, 156 का आपका सपोर्ट लेवल काम करेगा, 24,156 और ऊपर 24,400। बस आप इस चैनल का ध्यान रखो और बस मज़े करो, ठीक है। और अगर किसी का इसमें, जो लोग देख रहे हो नए लोग अगर देख रहे हैं, तो ये हमारी पर डे जो क्लास रहती है गूगल मीट में, उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर नीचे फ्लैश होता दिखाई दे रहा है, उसमें व्हाट्सएप करके हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर यूट्यूब में कुछ पूछना चाहते हैं तो बाकायदा चैट बॉक्स खुला हुआ है, उस पर आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं कौन सी कैंडल कब कहाँ कैसे बनती है, क्या फॉलो करता हूँ मैं, तो यहाँ पे भी आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, ठीक है भैया, तो चलें बंद करें आज के लिए, बस इतना ही। क्या और कुछ बताएं? चलो एक सेटअप बता देते हैं, ये आप लोग बुरा मान जाओगे ना कि सेटअप तो कुछ बताया नहीं है। तो सेटअप आप लोगों को एक सेटअप बता चुके हैं, P2P है ना, P2P सेटअप कौन बताएगा कमेंट करो, बता जरा किसको पता P2P क्या होता है। आपको P2P पे चार्ट को 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाना है, बैंक निफ्टी का चार्ट लगाना है, ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट लगाना है। बैंक निफ्टी के चार्ट के साथ में मार्केट जिस लेवल पे ओपन हो रहा है उसके आप आसपास जब 9:28 पे आपको मार्केट जहाँ पे ट्रेड करता दिखाई दे रहा है वहाँ से 1-2 पॉइंट ऊपर का स्ट्राइक प्राइस कॉल का और 1-2 पॉइंट नीचे का मतलब पुट का, मतलब आपको ITM सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ट्रेड कर रहा था 600 के लेवल पे, तो 52,800 का पुट और 52,400 की कॉल हम लगा के देखते हैं। तो आइए देख लेते हैं, है ना, ये हमने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया, ऑप्शन चेन ओपन किया और 52,800 की कॉल पहले देखेंगे, 52,400 की कॉल उस टाइम पे जो चल रहा था, 400 की कॉल और 800 का पुट, है ना, 800 का पुट, ये दोनों हम ओपन कर लेते हैं। अब इसकी क्या कंडीशन है आप लोग कौन बताएगा कमेंट करके बताओ ना भैया, क्या बताए थे? 9:28 में आपको देखना है कि प्रीवियस डे का क्लोजिंग पॉइंट के पास का जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस है उसको वो 15 मिनट के अंदर ब्रेक ना करे, है ना, 9:15 से ओपन होता है, 9:30 के बीच में वो क्रॉस नहीं करना चाहिए, ऐसा स्ट्राइक प्राइस हमको कॉल का और पुट का लगा के रखना है। ठीक है, अब अगर ब्रेक कर दिया तो हमारा सेटअप फेल हो गया, हम फिर उस सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं लेंगे। तो ये तो हो गया कॉल का, कॉल में हमने देखा पहली कैंडल ने क्लोजिंग पॉइंट के सपोर्ट को क्रॉस कर दिया, पहली कैंडल में हम इंटरेस्टेड नहीं हैं,
कॉल साइड के लिए। अब एक बार पुट साइड का देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये पुट का प्रीमियम है, पुट का प्रीमियम एक बार ओपन करते हैं और पुट के प्रीमियम में चल के देखते हैं कि जो कल का जो हमारा क्लोजिंग पॉइंट के आसपास का जो सपोर्ट लेवल था, या कि कल का इसका जो सपोर्ट लेवल था वो यही था। तो अब भैया देखो, इसने पहले 15 मिनट में ही क्या कर दिया, इसने ब्रेक कर दिया, मतलब बहुत ही क्या कंडीशन क्रिएट कर दी। ना तो कॉल साइड वाला हमारा बन रहा है और ना ही पुट साइड के लिए बन रहा है। ये बहुत बढ़िया एग्जांपल बना है आज हमारे लिए। डेली हम क्या करते हैं, प्रॉफिट ले लेते हैं, डेली हम इस स्ट्रेटजी से प्रॉफिट ले लेते हैं। लेकिन आज का जो सेटअप बना है उसने ये बता दिया है कि अगर आप रूल ब्रेक करोगे, नो डाउट कभी कभार आप इस पर प्रॉफिट भी ले सकते हो। अब अगर किसी ने यहाँ पे हैमर कैंडल देखी होगी तो मे बी पॉसिबल कि इस पर 403 से ले जाके 500-550 का प्रॉफिट इसने कमाया, 150 पॉइंट का, ठीक है। लेकिन ये रिस्की हो सकता है, ये रिस्की हो सकता है, चूँकि आपने यहाँ पे इंडेक्स के चार्ट पे देखा होगा कि दोनों साइड का है। एक बार एक कैंडल स्ट्रांग ऊपर बनी, ये स्ट्रांग कैंडल नीचे बनी, फिर अगले ही पल ये नीचे ले आया, फिर ऊपर चला गया। तो इस तरह के ट्रेड में मज़ा नहीं आता है, बहुत ही अनसर्टेन ट्रेड होता है। आपका प्रॉफिट हो जाए वो अलग बात है, लेकिन आप वहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो, है ना। तो गैम्बलिंग मत करना, प्रॉपर चीज़ें फॉलो करो जो चीज़ें बताई गई। अच्छा, सेम टू सेम अगर हम कहें पी टू पी स्ट्रेटजी के बारे में, तो यहाँ पे फॉलो हो रही है। प्रीवियस डे पे क्या किया इसने, प्रीवियस डे का जो सपोर्ट था उसके ऊपर ही ओपन हुआ था। कब की बात चल रही भैया, लास्ट जो फ्राइडे था, है ना, फ्राइडे को अपने क्लोजिंग पॉइंट के सपोर्ट के पास से ऊपर ओपन हो रहा है, 30 EMA के ऊपर ओपन हो रहा है। तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। और ये देखो एकदम वन वे क्लियरली 4-5 कैंडल ऊपर गया, है ना। आप इस सेटअप पे पहली कैंडल का इंतज़ार करो, पहली कैंडल अगर बड़ी नहीं बन रही है आप दूसरी कैंडल पे ट्रेड मार सकते हो, अगर वन वे उसी रूट पे चल रही है। तो आपको बस यही ध्यान रखना कि प्रीवियस जो सपोर्ट है प्रीमियम के चार्ट पे, प्रीवियस सपोर्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए। और अगर वहाँ पे 30 EMA है और प्रीमियम का चार्ट 30 EMA के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, देन जान दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी और एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो 3 तारीख का था, 3 तारीख का हमारा सपोर्ट कहाँ पे था, ये हमारा सपोर्ट हो गया। अब ओपन कहाँ हुआ भैया, ओपन यहाँ पे हुआ, ओपन कहाँ हुआ, हमारे सपोर्ट लाइन के नीचे ही ओपन हो रहा है। तो हम यहाँ पे अब जो है पुट साइड नहीं जाएंगे, अब इसकी जगह हम क्या देख लेंगे, कॉल साइड का प्रीमियम देखेंगे। और ये कब का है, यहाँ पे 4 तारीख का, ठीक है। अब 4 तारीख का कॉल का प्रीमियम देख लो भैया, 4 तारीख का कॉल का प्रीमियम देख लो। देखो यहाँ पे सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया है, यहाँ पे इंटरेस्टेड हम ज़्यादा नहीं रहेंगे, क्योंकि इसने इसके सपोर्ट को, जो क्लोजिंग पॉइंट का सपोर्ट था, उसको भी ब्रेक कर दिया है। एक चीज़ और बताई थी हमने, यहाँ पे ये फॉलो होगा कब, ये होगा आपका 2 तारीख को। देखो 2 तारीख में कॉल साइड पूरा बना हुआ है, सेम टू सेम बना हुआ है। ये सपोर्ट आपका सपोर्ट लाइन हो गई, सपोर्ट लाइन के पास में क्लोजिंग के पास का जो सपोर्ट है इसके ऊपर ही ये खुल रहा है, इसके ऊपर ही ओपन हुआ और 30 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे वही कंडीशन बनी, 5 मिनट टाइम फ्रेम की पहली कैंडल आप क्लोज होने दो, दूसरी कैंडल बॉडी के जैसे ही ऊपर निकले, या कि यह इस लेवल पे आप ट्रेड मार दो, वहाँ पे आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, एक आपको यहाँ पे इनसाइड कैंडल मिल गई, एक पुल बैक मिल गया, आप यहाँ पे मार दो तो भी आपका अच्छा प्रॉफिट है ना। तो कोई भी सेटअप है उस पर आपको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, सारे रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। और एक चीज़ बताए थे हम, क्या बताए थे, बैंक निफ्टी के चार्ट में, जो बैंक निफ्टी का प्रीमियम इंडेक्स का चार्ट है उस पर हमने बोला था 369। अब ये कुछ टाइम बाद ये नई स्ट्रेटजी बना दूंगा 369, है ना, जिसका नाम होगा, जिसको पी टू पी मैं बोल रहा हूँ वो 369 स्ट्रेटजी हो जाएगी। अब 369 क्या है भैया, चलो बता देते हैं एक बार आपको वापस से। हम आएंगे इंडेक्स के चार्ट पे, ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगा के रखेंगे।
जो 5 मिनट टाइम फ्रेम में लास्ट हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा, टाइमिंग होगी 2:40 2:45 के आसपास की, 2:45 के आसपास जो भी हमारा, 2:45 से लेके 3 बजे के आसपास का जो भी हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा। जैसे ये सपोर्ट हो गया, कितने बजे की कैंडल है ये आपकी 14:55, मतलब वही टाइमिंग हो गई लगभग लगभग आपकी 2:45 2:50 है ना। अब यहाँ पे सपोर्ट लिया है, हमने क्या बोला आपको कि अगर सपोर्ट लिया है तो वो 300 पॉइंट कंप्लीट करेगा। अब पॉइंट देखो, 470 आ रहा है, 470 से इसने 722 का मोमेंटम किया, 300 पॉइंट कंप्लीट हो रहे हैं क्या, कमेंट करके बताओ 300 पॉइंट कंप्लीट हो रहे हैं क्या। हाँ बताते हैं अश्विनी कुमार जी, बताते हैं। तो ये अब देखो, 300 पॉइंट का मोमेंटम नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, 300 पॉइंट का मोमेंटम कंप्लीट करेगा। ठीक, अब आप यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि ये जो 3 बजे वाली, 3:10 की ये कैंडल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी ले रही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी ले रही है, और रेजिस्टेंस लेने के बाद हमको 300 पॉइंट यहाँ काउंट करना पड़ेगा, 300 पॉइंट हमको चाहिए। तो इसका जो हाई पॉइंट है 724 का, 724 से ये जो है नीचे ले जाके रखा 336, मतलब लगभग लगभग आपका 300 पॉइंट नहीं, 324 पे ले जाके रखा, 724 से लगभग लगभग कितने पॉइंट हो गए भैया, 400 पॉइंट हो रहे हैं ना। तो 400 पॉइंट हो रहे हैं, मतलब इसका 300 वाला टारगेट कंप्लीट हो गया। अब चूंकि आज मार्केट ने अलग ही मोमेंटम किया है तो ये 400 कंप्लीट किया, फिर ऊपर चला गया 300 पॉइंट, फिर ऊपर गया, दोनों साइड का आपको दे गया 300 पॉइंट तो करेगा ही करेगा। उसके बाद वो अच्छा मोमेंटम आया तो 600 पॉइंट भी मोमेंट करता ही करता है। ठीक है, इसके पहले हम चल के देख लेते हैं। जैसे आपको एग्जांपल में मैंने P2P वाली जो स्ट्रेटजी है उस पर बताया था, यहाँ पे इसने क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया। अब जब रेजिस्टेंस लिया तो इस पॉइंट से और ओपन कहाँ हुआ, यहाँ पे हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 600 पॉइंट है। ठीक है, 600 पॉइंट है, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे, मतलब 600 कंप्लीट कर लिया तो उसने 900 पॉइंट का भी टारगेट रख लिया और 900 पॉइंट का मोमेंटम किया, इसके बाद भले ही साइडवेज हो गया। ठीक है, तो अभी कल भी ऐसे ही ध्यान रखेंगे, और अगर आपको ट्रेड नहीं लेना है मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्रंट टेस्ट तो करो, ऑब्जर्व तो करो चीज़ों को। अब अश्विनी कुमार जी पूछ रहे हैं 2:40 2:45 2:50 पर कहाँ सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर कितने पॉइंट का मूवमेंट हो गया सर, है ना। तो अब देखो क्या, कितना बजा है ये, 14:45 की कैंडल है, और यहाँ पे ये कितने बजे की कैंडल है, 15:20 की, मतलब यहाँ पे मार्केट साइडवेज चल रहा है, तो आपका यहाँ पे सपोर्ट भी बन रहा है और रेजिस्टेंस भी बन रहा है। बट हम सपोर्ट फॉलो करेंगे, सपोर्ट इसलिए फॉलो करेंगे क्योंकि 14:45 की कैंडल यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, तो हम ये इसको रेजिस्टेंस नहीं मानेंगे, हम यहाँ पे सपोर्ट मानेंगे। अभी अब इस लेवल से जो कि यहाँ पे आ रहा है 350 का लेवल, 350 से कितना मोमेंट हुआ है, 507, 150 पॉइंट का, अभी 150 पॉइंट ये ऊपर जाएगा, मतलब 650 तक जाएगा। अब इसको कल सुबह जब ये ओपन हो, चाहे गैप अप ओपन हो चाहे गैप डाउन ओपन हो, अगर गैप अप ओपन होगा तो उसका लेवल यही होगा, 650 700 का लेवल होगा, और अगर फ्लैट ओपन होता है तो भी इस लेवल तक जाएगा, उसके बाद ही ये इस तरह का मोमेंटम करेगा तो कॉल साइड, नहीं तो नीचे साइड का किया, पुल बैक करके नीचे आया तो पुट साइड, फिर यहाँ तक के लेवल के लिए। ठीक है भैया, अब अगर सवाल उठता है, मान लो गैप डाउन ही ओपन हो गया, इस लेवल पे ओपन हो गया या इस लेवल पे ओपन हो गया, तो भी वो नीचे आके ऊपर ही जाएगा, मतलब इसको, इस दूरी को तय करना ही करना है, चाहे वो ओपनिंग में यहाँ पे ओपन होते ही कर ले, चाहे ओपन होके कर ले, और चाहे नीचे आके ऊपर जाए तो कर ले, बट करेगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो हम कुछ नहीं कर सकते भैया, बोलो सीताराम। ठीक है।
और कल मार्केट गैप अप या गैप डाउन ही ओपन होगा। बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन ही ओपन होगा, दो में से एक। फ्लैट ओपनिंग कम चांसेस हैं, ठीक है। आप पूछो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो चलो वो भी दिखा देता हूँ। ट्रेडिंग व्यू में चेक कर लेते हैं क्या चल रहा है ट्रेडिंग व्यू में, है ना। ट्रेडिंग व्यू में क्या देखते हैं हम, ट्रेडिंग व्यू भैया कहाँ गया, ट्रेडिंग व्यू में हम देखते हैं क्या कहते हैं उसको, गिफ्ट निफ्टी, ना गिफ्ट निफ्टी चेक करते हैं। तीन बजे की कैंडल, तीन ये बजा यहाँ पे 15:15, अभी तो गैप डाउन है बट ज़्यादा गैप डाउन नहीं है, फ्लैट ओपनिंग ही है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मॉर्निंग में देखेंगे क्या कंडीशन बनती है, इसके अकॉर्डिंग तो फ्लैट ही है। मॉर्निंग तक में क्या कंडीशन बनती है अभी पता चल जाएगा, ठीक है भैया। तो चलो बंद करते हैं आज की क्लास यहीं तक। राम राम सभी को, जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो, ठीक है भैया। जय हिंद जय भारत। आज ये नहीं दिखाएं, लास्ट में दिखा देते हैं, शुरू में नहीं दिखाए तो, है ना, ये बड़ा ज़रूरी है। चलो बंद करें।